try to understand why the platform is there and why and how it is working. मतलब ये एक तरीका ये था, मैं इस कंटेंट को जाता अपनी वेबसाइट के ऊपर पोस्ट करता और यहाँ पे लाके लिंक शेयर कर देता। क्या आप समझते हैं कि अगर मैं यहाँ पे लिंक शेयर करता सेम एज इट इज पोस्ट होती और अच्छा है उसका इमेज होता, इतने कमेंट्स और या लाइक्स बन सकते थे, 9 कमेंट्स या 56 अदर लाइक्स वगैरह, लाइक्स या शेयरिंग की वजह नहीं। तो जब आपको पता है, सब जानते हो, तो फिर हरकतें ऐसी क्यों करते हो यार? फेसबुक के ऊपर कंटेंट देना, तो उसको उसी कंटेंट को जो वहां पे किया है साइट के ऊपर उसको यहाँ पे लाके पेश कर दो। ठीक है यार, ये भी तो ऑडियंस बिल्ड हो रही है ना तुम्हारी। आप में से कितने लोग हैं जो फेसबुक के ऊपर जब लिंक्स दिए जाते हैं या पोस्टें आती हैं इमेजेस के साथ उसको क्लिक करके वेबसाइट पे जाते हैं? मैं तो, मुझे नहीं याद, हार्डली बहुत कम होंगी साइट्स के ऊपर जिनके ऊपर मैं रिसेंट टाइम में गया हूँ, अनलेस वो बहुत रिलेटेड हो या बहुत अच्छी चीज हो। नहीं तो मैं कोशिश करता हूँ फेसबुक किससे ऊपर ही रहूं तो फेसबुक के ऊपर ही कंटेंट दिया जाए मुझे। ठीक है, बहुत कम, राइट? अब ये देखें, ये कंटेंट मैंने दिया, अगर मैं चाहता तो उसके अंदर थंबनेल रख सकता था, मैंने नहीं रखा क्योंकि मेरा मकसद नहीं है कि यूजर को मैं थंबनेल के तहत बाहर का रास्ता दिखाऊं। मेरा मकसद था उसको वैल्यू और कॉन्टेंट देना, तो मैंने उसको रेफरेंस लिंक दिया, वो चाहेगा तो चला भी जाएगा। ठीक है, लेकिन उसको वैल्यू भी मिल गई है यहाँ पे। अगर मैं इसके अंदर थंबनेल जनरेट करता तो यूजर को ये जाता कि यार ये इस चीज तक हमें फोर्सफुली या भेजना चाह रहा है आउट ऑफ फेसबुक, समझो इस बात को। व्हेन एवर यू प्रोवाइड अ थंबनेल और अनदर लिंक फॉर अ वेबसाइट दैट इज आउटसाइड फ्रॉम फेसबुक, यू आर फोर्सिंग द पीपल और द यूजर ऑफ फेसबुक टू गो आउटसाइड फेसबुक व्हिच दे डोंट लाइक एंड व्हिच फेसबुक आल्सो डोंट लाइक। वो नहीं चाहता कि आप वो कंटेंट शेयर करें जिसकी वजह से यूजर फेसबुक को छोड़ के जाए। आप वीडियोस, यूट्यूब वाली वीडियोस आप लाते हैं, लिंक शेयर कर देते हैं इसके ऊपर, उसी वीडियोस को डाउनलोड करके दोबारा अपलोड करो ना, जरा देखना कितना ज्यादा उसके ऊपर एक्टिविटी होती है। क्यों? व्हाई फेसबुक वांट टू प्रमोट their competitor YouTube videos on their platform? Again, it is all about the basics. अगर आप basics सही करोगे ना और system simple है, उसको समझोगे system को, तो आप उसको effectively use कर सकते हो। आपने कितनी पोस्टें देखी हैं websites के ऊपर जिनके ऊपर यहाँ पे लिखा आता है post by buffer या post by दूसरी tools वगैरह site, right? और कितनी दफा आप उन links पे गए हो या उन post पे गए हो? जब आप यहाँ पे लिखा आता है कि पोस्ट बाय बफर या किसी और टूल से, ऑटोमेटेड टूल के तहत जो है ना ऑटो पोस्ट किया गया है, तो आप उसको नहीं जाते, जाते हो नहीं जाते, आपको फौरन से पता चल जाता है कि यार ये पोस्ट इस बंदे ने नहीं की है, ये सिस्टम ने पोस्ट की है, ये किसी टूल ने पोस्ट की है, ये इस बंदे की राय नहीं है, ये सिस्टम जनरेटेड है, तो आप नहीं जाते हो। लोग ऑटोमेशन ऑटोमेशन की तो बात करते हैं, दैट इज नॉट द ऑटोमेशन, इफेक्टिव ऑटोमेशन। वो ठीक है, टूल्स बेचने वाले अपने हिसाब से बेचते हैं, द बेस्ट ऑटोमेशन इज दैट यू हैव अ टीम दैट इज डूइंग अ नेचुरल पोस्टिंग फॉर यू और यू टेक आउट द टाइम एंड डू द पोस्टिंग। आप यहाँ पे फेसबुक के ऊपर रह के इसकी टाइमलाइन के ऊपर अगर आप पोस्ट करते हैं तो इधर से जाके जो है ना आप ऑटो पोस्ट के ऊपर जो है ना लगा दें, जिसके ऊपर आपको जो है ना वो नहीं आएगा कि किस टाइम पे हुआ सारा कुछ। अगर मैं यहाँ पे जाके जो है ना पोस्ट के ऊपर जाता हूँ और टाइम में डेट एंड टाइम, यहां से अगर मैं अपडेट करता हूँ, राइट, ये लगाऊंगा तो ये मजेदार काम होगा। ठीक है, यहाँ से ये काम ज्यादा इफेक्टिव होगा, राइट, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है लेकिन रिजल्ट ओरिएंटेड है। एवरीथिंग दैट इज टाइम टेकिंग एंड रिक्वायर्स अ हार्ड वर्क दैट विल डेफिनेटली गोइंग टू प्रोवाइड यू रिजल्ट्स, बिकॉज 99.99% पीपल आर अफ्रेड ऑफ डूइंग हार्ड वर्क। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा है और हमारी ये एफर्ट आपको पसंद आई है तो प्लीज डू शेयर अवर कंटेंट ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को हेल्प आउट कर सकें।